फ्रेंड्स, मैं हूं रजत शर्मा, मेरे साथ मजीत महर्षि। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हमने देखी आयो बिनते पुस्तकम, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इट्स अ मलयालम पीरियड थ्रिलर फिल्म गाइस, बहुत बढ़िया फिल्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत मजा आता है देख के कि किस तरह से वो मतलब मैं कहना चाहूंगा कि बजट बहुत लार्ज स्केल में नहीं है, लेकिन इस मूवी का जो स्केल है रजत, तो कितना लार्ज स्केल पे उन्होंने दिखाया है और कमाल कर दिया है। पुस्तकम मींस द बुक ऑफ जॉब, स्टारिंग फहद फासिल, माय फेवरेट, के साथ में है माय आल्सो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मतलब क्या बोले उनके बारे में, तो कुछ वर्ड्स ही नहीं बचे। नहीं बिल्कुल, ही इज ट्रूली ऑसम, टेरिफिक गाय ही इज। उनके साथ इसमें दे रहे हैं, इसमें है मिस्टर लाल, बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनके साथ में है जय सूर्या, फिर ईशा शर्वानी इसमें है। ईशा शर्वानी को हमने हिंदी फिल्म से भी काफी देखा हुआ है। उनके साथ में रीनू मैथ्यूज एंड अदर्स, स्क्रिप्टेड बाय गोपाल चिदंबरम एंड डायलॉग्स बाय श्याम पुष्करण। ये फिल्म डायरेक्टेड, को प्रोड्यूस एंड फिल्म बाय है अमल निराद। पीरियड ड्रामा सेट इन मिड 20th century इन मुन्नार वेस्टर्न घाट्स। फिल्म बेस्ड है सिबलिंग्स की राइवलरी पर, जिसमें करेक्टर्स के नाम फेमस रशियन नॉवलिस्ट के नॉवल के नाम पर रखे गए हैं। बहुत अच्छा लगता है इसमें रजत, सिंपल सी स्टोरी को आप देखें गाइस, इसमें क्या वर्ल्ड क्लास बना दिया इस फिल्म का डायरेक्टर ने। सिनेमेटोग्राफी की वजह से आई थिंक सारे सीन्स ही आपको याद रहेंगे, मतलब कोई सीन ऐसा नहीं जिसमें आपको लगे कि ये चीज कम रह गई। बहुत औसम है फिल्म, इज सो गुड कि इसमें आपको सब मिलेगा, एक्शन, प्यार, बदला, धोखा। फिल्म स्टार्ट होती है बाइबल की एक लाइन से, मैं एक्चुअली वो लाइन बोलना चाहूंगा, द एजेड आरंट ऑलवेज wise, nor do the elderly always understand justice. Means aged लोग ही हमेशा बुद्धिमान नहीं होते और ना ही बुजुर्ग हमेशा न्याय को समझते हैं। फिल्म की स्टोरी नरेट करते नजर आते हैं कम्युनिस्ट लीडर टीजी रवि। फिल्म अपनी सिनेमा फोटोग्राफी, परफॉर्मेंसेस एंड स्कोर के लिए बहुत सराही गई। एंड एक्ट्रेस पद्मा प्रिया को अपनी एक्टिंग के लिए बहुत अप्रिशिएट भी किया गया, मतलब इतनी फैंटास्टिक काम किया इन सब ने, मजा आ गया वाकई। यस रजत, बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है सबकी। फिल्म अपने पीरियड ड्रामा स्केल को लेके भी काफी चर्चा में रही थी, जो आप मतलब आप इस फिल्म को देखेंगे आपको पता चलेगा, जो बहुत ही ज्यादा कंपेलिंग एंड वंडरफुल था गाइज। सो गाइज, मैं आपको अगेन हम लोग ये कहना चाहेंगे कि ये फिल्म इसके स्केल के कारण आप देखिए, और इसका बजट भी, मतलब मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगा कि एज कंपेरेबल टू हॉलीवुड मूवीज, या क्योंकि उनकी पीरियड ड्रामा भी हमने देखी है, आप सबने देखी है, हमने बॉलीवुड में भी ये चीजें देखी हैं, लेकिन वो सिर्फ बजट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्टोरी स्केल सेट क्या होगा, हीरोइन के कपड़े में नहीं, बॉलीवुड का ऐसे रहता है ये लोग। यहाँ पे मलयालम में क्या है, अगर मैं बॉलीवुड की बात करूंगा तो यहाँ पे ये पहले सबसे पहले ध्यान देते हैं स्टोरी, फिर स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद पे नंबर आता है तीसरे नंबर पे एक्टर्स का, अब इसको कौन परफॉर्म करे, राइट। तो ये आप सोचिए कितना ये लोग कितना प्लान वे में सारा काम चल रहा है। यहाँ पे तरह बॉलीवुड की तरह नहीं है, कुछ भी दिखा दो, पैसा फेस कर दो ना, और बढ़िया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आपको जब तक मतलब वो, मुझे ऐसा लगता है जब तक पूरी टीम खुद सेटिस्फाई नहीं होगी उसको बनाने वाली, तब तक वो अपनी ऑडियंस को कैसे सेटिस्फाई करेगी गाइस। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और मैं लास्ट लाइन बोल के इस हमारे वीडियो को एंड करता हूँ कि गाइस, ये एक ऐसी फिल्म है, अगर आपको एक ही फिल्म में आपको राइवलरी, हेट्रेड, वेंजियंस, लव, उसके साथ में कॉमरेडशिप, कनिंगनेस और साथ में किलिंगनेस, अगर इन सब के मजे लेने हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो प्लीज गाइस, हमें ये फिल्म देख के आप बताइएगा, जिन्होंने नहीं देखी और जिन्होंने देखी और इसका नाम हमको सजेस्ट किया, गाइस थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी फिल्म थी, मजा आया देख के, वी रियली एंजॉयड। यस, तो प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वी नीड सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज सपोर्ट अस। ओके रजत, ऑलराइट, टिल देन गुड बाय, ओके बाय बाय गाइस।